रहता है यहाँ पे मुजफ्फर परदेसी का, हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच। मलिक ने, मैंने आखिर में कहा था, मलिक ने मालिक है इस टीम के, जब जब टीम को उनकी जरूरत पड़ी है मालिक की तरह वो दौड़ के आए हैं। समीर वहां पे बॉल रिटर्न करे यहाँ पे, अभी जो होने वाला मुकाबला है वो अवेज 11 मानगांव और वैष्णवी रोड के बीच में। अवेज 11 मानगांव ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, वहीं पे वैष्णवी रोड को बैटिंग की दावत दी। एकता ग्रामीण टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन आयोजित कार्याध्यक्ष चैंपियन ट्रॉफी ओवर आर्म क्रिकेट सामने दिनांक 24, 25, 26, 27 फेब्रुवारी 2023 श्री संतोष भाई खड़तर कार्याध्यक्ष यांच्या सौजन्याने प्रथम पारितोषिक 1,00,000 व आकर्षक चषक, द्वितीय पारितोषिक 50,000 व आकर्षक चषक, तृतीय पारितोषिक 25,000 आकर्षक चषक, चतुर्थ पारितोषिक 25,000 व आकर्षक चषक आणि या मॅच साठी 10,000 प्रवेश फी आहे। अजान के बाद चलते हैं ग्राउंड की तरफ। यहाँ पे अवेज 11 मानगांव की तरफ से गेंदबाज शुभम आते ही यहाँ पे विकेट चटका या नवीन जोशी का। शुभम बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे
निशी कन्नेकर के बल्ले से निकलता हुआ और ये खराब फील्डिंग वहां पे मोहसिन नदाफ थोड़े से नाराज होंगे शुभम, जिस तरह से गेंदबाजी कर रही है उसी तरह वो उनको लगता है फील्डिंग होना यहाँ पे। चिराग गोड़ने साहब गोरेगांव से आए हुए हैं, उनका भी खैर मकदम, उनके हक में भी सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद। क्या बढ़िया गेंदबाजी देखने मेरे यहाँ पे मानगांव एक्सप्रेस शुभम जाधव की तरफ से। मोहसिन अच्छे फील्डर है, गलतियां होती है लेकिन क्रिकेट में गलतियां करना यहाँ पे जायज नहीं है। बहुत ही बढ़िया शॉट निशी कन्नेकर के बल्ले से निकलता हुआ सीधा चार रनों की तरफ, लेकिन इस बार महंगे साबित होते हुए शुभम। स्कोर पहुंचता हुआ 8 रन, बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई निशी कन्नेकर के बल्ले से। स्कोर पहुंचता हुआ 8 रन, पहली ओवर जारी शुभम के रूप में। आउट होने वाले बल्लेबाज नयन जोशी। शुभम टू निशी और एक करारा प्रहार यहां पे अब्दुल हमीद गोड़ में। इन्होंने लगातार 3 सिक्स या फिर लगातार 3 विकेट या फिर लगातार चौकों की हैट्रिक, यहां पे हैंड वॉच लगी है, उस वॉच के यहां पे हकदार हो चुके हैं निशी कन्नेकर। शुभम बहुत ही बढ़िया गेंद, उतने अच्छा शॉट वहां पे। स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन, एक ओवर की समाप्ति पर यहां पे वैष्णवी रोड का स्कोर है 13 रन। यहां पे करारा प्रहार शुरू कर दिया निशी कन्नेकर ने। शुभम जाधव जैसे बल्ले गेंदबाज को यहां पे बड़े बड़े फटके लगाना कोई आसान बात नहीं है। जिस रफ्तार से बुलेट की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं शुभम, अच्छी गेंदबाजी की, थोड़े से महंगे साबित हुए, उतनी अच्छी बल्लेबाजी देखने मिले हमें यहाँ पे निशी कन्नेकर के बल्ले से। अब गेंदबाज मान यहाँ पे सूरज टेम्बे काफ़ी यहाँ पे एक 4-5 साल में काफ़ी बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा है टेनिस क्रिकेट में। बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मसला शिवर्धन में उन्होंने क्रिकेट खेली है। कृष्णा सातपुते हो या बबलू पाटिल हो, ओमकार देसाई हो, बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने धूल चटाई है। बहुत ही बढ़िया शॉट निशी कन्नेकर के बल्ले से निकलता हुआ, गेंद जाती हुई सीधी 4 रनों की तरफ और इस 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ। स्कोर पहुंचता हुआ 17 रन, आते ही करारा प्रहार कर दिया यहां पे निशी कन्नेकर ने। निशी कन्नेकर कहते होंगे यहां पे नयन जोशी गए तो क्या हुआ, मैं हूं। करारा प्रहार देखने मिला यहां के दर्शकों को निशी कन्नेकर के बल्ले से। अवेज 11 मानगांव और वैष्णवी रोड के बीच में चलता हुआ मुकाबला, क्या बढ़िया यहां पे बल्लेबाजी देखने मिल रही है, काफी रोमांच भरा होता हुआ मुकाबला। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो एक बड़ा टारगेट देना है मानगांव अवेज 11 मानगांव टीम को, तो इस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि मानगांव के साथ अच्छे गेंदबाज भी है उसी तरह अच्छे बल्लेबाज भी है। कम से कम मुझे लगता है 4 ओवर में 60-65 रन बनाने होंगे वैष्णवी रोड को, तभी ये मैच बन सकती है। और इस बार चालाक गेंदबाज लेन बदली और यहां पे निशी कन्नेकर की बल्लेबाजी खत्म। नाराज होकर पवन लौटते हुए निशी, मैंने कहा था सूरज टेम्बे एक अच्छे गेंदबाज है, बड़े बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ियों को उन्होंने धूल चटाई है। ओमकार देसाई हो, कृष्णा सातपुते हो, उस्मान पटेल जैसे गेंदबाजों को उन्होंने बांध के रखा है। हमने बहुत बार उनकी गेंदबाजी देखी है, यूट्यूब के जरिए भी हम उनको फॉलो करते हैं, मानगांव तालुके से राबता रखते हैं। आशीष नए बल्लेबाज, आशीष काफी मेहनत किए इन टीमों पे। भारत ढाकोल जैसे सीनियर खिलाड़ी हो, शुएब परदेसी जैसे सीनियर खिलाड़ी हो, आदिल गजगे हो, सुनील गावड़े हो, ये टीम बनाने के लिए काफ़ी मेहनत ली है इन सब सीनियर खिलाड़ियों ने। अपने आप को पीछे रखना और यंग जनरेशन को प्रमोट करना, ये कोई शुएब परदेसी, भारत ढाकोल, आदिल गजगे इनसे सीखे। नए नए चेहरों को, यंग टैलेंट को उन्होंने यहाँ पे सवारा है। सीनियर खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं, जब अपना
सिक्का नहीं चलता तब थोड़ा सा बैकफुट पे आना और नए नए खिलाड़ियों को आगे फ्रंट फुट पे ले जाना, यही तो सीनियोरिटी है। बहुत ही बढ़िया शॉट, वहां पे गेंद जाते हुई सीधी चार रनों की तरफ। आशीष आते ही करारा प्रहार, गेंद जाती हुई चार रनों की तरफ, स्कोर पहुंचता हुआ 21 रन। सूरज गेंदबाजी के लिए तैयार, और ये आसान सी कैच थी, वहां पे शुभम जाधव ने छोड़ दिए। एक मौका हो सकता था आशीष का विकेट लेने का, लेकिन कैच लेने के प्रयास में यहां पे गलती कर बैठे। एक रन तो मुकम्मल कर दिया, स्कोर पहुंचता हुआ 22 रन। दूसरी ओर जारी सूरज टेंबे के रूप में। सूरज स्ट्राइक पर, राणा पहली बार सामना करेंगे सूरज की गेंद का, और एक कैच यहां पे छोड़ते हुए शुभम जाधव। अवे जिले और मानगांव की तरफ से क्या चल रहा है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां पे आदिल नाराज है कुछ समझाते हुए। शुभम जैसे एक टेनिस क्रिकेट के दिग्गज के हाथों से ये गलतियां होना, मतलब यहां पे आ बैल मुझे मार, इस तरह की यहां पे स्थिति है। राणा जिस तरह से हमने पिछले मैच में बल्लेबाजी की थी, राणा और आशीष को यहां पे जीवन दान देना मतलब कोई आसान बात नहीं है। राणा टू सूरज, और एक क्या कैच लपक लिया यहां पे भारत ने, बहुत ही बढ़िया डॉल्फिन कैच। सऊद पर से इनके तरफ से इस कैच के लिए 100 रुपए का इनाम आया है। मानगांव यहां पे अवेज 11 मानगांव की तरफ से। मैं हर बार यहां के दर्शकों को कहता हूं कि फिटनेस का पूरी तरह 40 या 40 प्लस के एज में ध्यान रखना, कोई भारत ढाकवल से सीखे। भारत ढाकवल इस उम्र में भी क्रिकेट खेलना कोई आसान बात नहीं है। अभी के बहुत सारे हमने खिलाड़ी देखे 2 साल क्रिकेट नहीं खेलते और फिटनेस से जूझते हैं। सिकंदर यशविकर की तरफ से इस कैच के लिए 100 रुपए का इनाम है। डॉल्फिन कैच 2013 में भी हमने देखा था, भारत ने ऐसे ही डॉल्फिन कैच लगाई थी, और इस बार भी हमने देखा क्या बढ़िया यहाँ पे कैच ली। तारीफ करनी होगी भारत ढाकवल की। भारत ढाकवल मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, क्योंकि भारत को मैं कम से कम 8 साल से मानगांव में जॉब कर रहा हूँ। मैं भारत की मेहनत को देखता हूँ, सुबह 3 या 4 बजे उठना, यहाँ पे मार्केट में दूध सप्लाई करना, मतलब बोलते हैं ना कि एक कड़ी मेहनत रहती है ना, कड़ी मेहनत जब आप करते हैं तो सक्सेस आपके कदम चूमती है। उसी तरह भारत ढाकवल बनना कोई आसान बात नहीं है। 20-22 साल से क्रिकेट खेलना, और क्रिकेट भी ऐसा खेलना क्योंकि उसको पूरा वो मेंटेन रखना, फिटनेस को मेंटेन रखना, भारत ढाकवल बनना कोई आसान बात नहीं है। मुझे लगता है मानगांव टेनिस क्रिकेट का नाम अगर किसी ने आगे बढ़ाया है तो भारत ढाकवल ने बढ़ाया है। अभी के जो भी खिलाड़ी है भरे वो सक्सेस हुए होंगे, रियान परदेसी होंगे, शुभम जाधव होंगे, आदेश सोनार होंगे, लेकिन भारत ने जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल के इस क्रिकेट को आगे बढ़ाया है, मैं तारीफ करूंगा भारत ढाकवल की। भारत फिर से खुद की पहली और कोटे की दूसरी ओर लेकर रियान परदेसी गेंदबाजी करेंगे। यहां पे अंपायर का इशारा वाइड गेंद, वाइड कैंसल, बैट को लगाए। यहां पे अच्छे अंपायरिंग करते हुए अमित गोल्डेकर सर और पंकज आमरे सर, जो कि मुंबई से हमारे यहाँ पे अंपायरिंग करने के लिए आए हुए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे रियान परदेसी की, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार है।
काफी बढ़िया गेंदबाजी, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट को आगे बढ़ाया, अपने आप में तब्दीली लाई, काबिले तारीफ है। शॉर्ट लाइन की गेंद, वहां पे मोहसिन मौजूद है, एक रन तो मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए भागने थे, लेकिन जब तक थ्रो आए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर पहुंचता हुआ 25 रन। तीसरी ओवर जारी रिहान के रूप में, अवेज 11 मानगांव और वैष्णवी रोड, इनके बीच में चलता हुआ मुकाबला, काफी मेहनत लेते हुए इस टीम के लिए एवन निजामपुर की तरफ से जुनेद परदेसी, यहाँ पे पानी का बंदोबस्त करते हुए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और ये लेग बिफोर आउट, राणा के रूप में लगता हुआ और एक झटका वैष्णवी रोड को, सॉरी यश के रूप में, यश, इस बार यश को अपने बल्लेबाजी में यश नहीं आया है, यश आया वो रिहान परदेसी को, यश आया विकेट चटका है यहां पे यश का। अब बल्लेबाज प्रज्योत, पिछले साल में अच्छी बल्लेबाजी की थी प्रज्योत ने, काबिले तारीफ बल्लेबाजी की थी, यहां के दर्शकों को खुश कर दिया था, अब देखना होगा इस बार प्रज्योत क्या करते हैं। सराहना करनी पड़ेगी अवेज 11 की तरफ से गेंदबाज रिहान परदेसी की, जिस उम्र में उन्होंने गेंदबाजी कर रहे, स्कोर पहुंचता हुआ 25 रनों पर, तीसरी ओवर जारी रिहान के रूप में, अब नए बल्लेबाज प्रज्योत, नॉन स्ट्राइक पर आशीष, शुएब परदेसी कुछ समझाते हुए, सीनियर खिलाड़ी है, काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे, इन सीनियर खिलाड़ी के छत्र छाया में बड़े हुए हैं ये सब खिलाड़ी, जो कि जैसे कि रिहान हो, शुभम हो, आदेश हो, यहाँ पे सूरज हो, इन बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी ने उनको बनाया है, भले टैलेंट है उनमें, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म देना इन सीनियर खिलाड़ियों का काम है। रिहान, रिहान तू प्रज्योत डाके, रिहान बीच में पटकती हुई गेंद, उछाल भरा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है, जब तक थ्रो आए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, उतना ही अच्छा थ्रो वहां पे कलेक्ट किया शुएब परदेसी ने, स्कोर 26 रन। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आशीष, देखना होगा कितने रन बटोरते, थोड़ी सी धीमी रफ्तार हो चुकी, पहली ओवर में 14 रन आने के बाद रफ्तार धीमी हुई बल्लेबाजों की। आशीष, आशीष टू रिहान, और ये क्लीन बोल्ड, क्या बढ़िया गेंदबाजी, सीधी स्टंप उकाड़ती हुई गेंद आशीष मोरे की, कुछ समझ नहीं सके, उनको लगा वाइड है, बॉल छोड़ना चाहते थे, लेकिन कब स्टंप गेंद ने स्टंप उकाड़ दिया उनको समझ में नहीं आया, और एक झटका लगता हुआ यहां पे वैष्णवी रोड को, हर साल हमारे यहां पे दस्तक देती है ये टीम। नए बल्लेबाज राज, देखना होगा इस ग्राउंड पे राज करते हैं या नहीं, इस ग्राउंड पे अभी फिलहाल राज चल रहा है वो रियान परदेसी का, जिस तरह से गेंदबाजी करे काबिले तारीफ गेंदबाजी, पूरे ग्राउंड पे अभी उनका ही राज है, लेकिन देखना होगा नए बल्लेबाज राज अपना राज यहां पे कायम रखते हैं या नहीं। एवन निजामपुर उन्होंने रखे गए टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन, दूसरे दिन की मैच चलती हुई वैष्णवी रोड और अवेज 11 मानगांव के बीच में, अवेज 11 मानगांव काफी बेहतरीन टीम है इस इलाके की। रिहान, रिहान टू राज, और ये क्या यहां पे चुस्ती रहे फील्डर देखने मिल रहे है, गेंदबाज ने सामने आके यहां पे रनआउट किया है बल्लेबाज को, काफी चुस्ती रहे फील्डर यहां पे, गेंदबाजी तो गेंदबाजी, यहां पे उनकी फील्डिंग भी लाजवाब है। रिहान परदेसी मैन फ्रॉम मानगांव, हमारे अच्छे दोस्त है उनके भाई नदीम परदेसी, नदीम परदेसी के छोटे भाई रिहान परदेसी,
काबिले तारीफ गेंदबाजी सराहना करनी पड़ेगी इस गेंदबाज की। 23-24 एज में क्रिकेट उन्होंने इस तरह से आगे बढ़ाया है अपना। अच्छी गेंदबाजी, अब देखना होगा अब नए बल्लेबाज तुषार। गेंदबाज भारत ढाकवल, ये नाम किसी के लिए नया नहीं है। 20-25 साल से क्रिकेट में इस नाम का दबदबा है भारत ढाकवल। भारत ढाकवल ने अपनी टीम के लिए बहुत सारी बलिदान दिया है। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते भारत। स्ट्राइक पर है प्रज्योत डाके, नॉन स्ट्राइक पर तुषार। ज्यादा टाइम ना ले, अवेज 11 मानगांव भारत। लेफ्ट हैंड गेंदबाज, कटर गेंदे खिलाने में माहिर है यहां पे भारत ढाकवल। बॉलिंग मार्क पर स्ट्राइक पर प्रज्योत, गेंदबाजी के लिए तैयार। और आते ही करारा प्रहार देखने मिल रहा है यहां पे, और ये देखना पड़ेगा यहां पे सिक्सर है या फिर 5 रन बचे अपनी टीम के लिए। अंपायर क्या डिसीजन है? थर्ड अंपायर, यहां पे थर्ड अंपायर हम चेक करेंगे। देखना होगा अच्छी फील्डिंग वहां पे, मुझे लगता है शायद मोहसिन है। पानी क्या बढ़िया, यहां पर करारा प्रहार किया था प्रज्योत डाके ने। देखना होगा क्या होता है, 2 रन या फिर सिक्सर। लाइनमैन आप अपनी जगह ले, एक जगह पे इकट्ठा ना हुआ। दो रन अंपायर, 2 रन। अच्छी फील्डिंग वहां पे देखने में मिली मोहसिन नदाफ की। स्कोर पहुंचता हुआ 28 रन, 2 रन की सहायता से स्कोर पहुंचता हुआ 28 रन।
आखिरी ओवर जारी भारत धाकवल के रूप में। भारत भारत टू प्रज्वल डाके। अब देखना होगा, एक करारा प्रहार किया था लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग देखने मिली मोहसिन नदाफ की। भारत फिर से गेंदबाजी करेंगे प्रज्वल के लिए। काफी तेज तर्रार हवा छूटी हुई, बौद्धवाड़ा एंड से गेंदबाजी करेंगे यहां पर भारत ढाकवल। अंपायर को पार कर दिया और ये करारा प्रहार और ये 6 रन। कैच हो सकती थी या फिर बॉल अंदर डाल सकते थे लेकिन ये 6 रन। स्कोर पोस्टा हुआ 34 रन। एक आसान कैच हो सकती थी लेकिन उसको मिस फील्डिंग कह सकते हैं वहाँ पे। अब उनकी जगह लेने उस फील्डिंग को चेंज किया यहाँ पे शुभम ने, खुद शुभम वहाँ पे गए हैं। भारत फिर से स्कोर पहुँचता हुआ 34 रन, आखिरी ओवर जारी भारत के रूप में। अब प्रज्वल करारा प्रहार करते हुए यहाँ पे भारत की हर गेंद पर प्रज्वल डाके वैष्णवी रोड की तरफ से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। गेंद को पीछे रखा, घुमाया ज़्यादा, गेंद जाते हुए सीधी टप्पा खा के विकेट कीपर शोएब परदेसी की ग्लोव में। कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ, स्कोर 34 रन। गेंदबाज भारत अवेज 11 मानगांव की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। भारत भारत टू प्रज्वल। और ये 4 रन, इस बार करारा प्रहार, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे यहां पे प्रज्वल। स्कोर 38 रन। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें आना बाकी, स्कोर पहुंच चुका है 38 रन। भारत भारत टू प्रज्वल डाके। वैष्णवी रोड और अवेज 11 मानगांव के बीच में चलता हुआ मुकाबला। गेम फास्ट कर या भारत भारत टू प्रज्वल। देखना होगा आने वाली 2 गेंदों पे कितने रन बटोरते यहां पर प्रज्वल। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे स्लिप की जानिब। और ये यहां पे तुषार की विकेट का खात्मा होता हुआ रन आउट होते हुए राज की विकेट। राज देखना होगा नए बल्लेबाज राज, इस ओवर की आखिरी, इस इनिंग की आखिरी गेंद आना बाकी। और ये अच्छी फील्डिंग वहां पे रिहान परदेसी की जानिब से और एक झटका लगता हुआ यहां पे प्रज्वल डाके के रूप में। स्कोर 39 रन। एक इनिंग की समाप्ति पर यहाँ पे वैष्णवी रोड का स्कोर है 39 रन। अगर ये मैच अवेज 11 मानगांव को जीतनी है तो 40 रन बनाने होंगे। एकता ग्रामीण टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन आयोजित कार्याध्यक्ष चैंपियन ट्रॉफी ओवर आर्म क्रिकेट सामने दिनांक 24, 25, 26, 27, 2023। प्रथम पारितोषिक 1 लाख, द्वितीय पारितोषिक 50,000, तृतीय पारितोषिक 25,000, चतुर्थ पारितोषिक 25,000, ऐडवान्स 5,000 रुपये दिल्याशिवाय प्रवेश फी निश्चित केली जाणार नाही। सर्व संघांनी नोंद करून घ्यायचे, इथे नोंद करायची आहे।
योगेश बक्कम, वैभव मोरे, राहुल बक्कम, योगेश भोनकर, महादेव कदम, निलेश उभारे यांच्याकडे एंट्री करायची आहे। मेन महत्त्वाचं म्हणजे ॲडव्हान्स 5,000 रुपये दिल्याशिवाय प्रवेश फी निश्चित केली जाणार नाही, एक चांगला नियम। गेम फास्ट करया अंपायर। और एक यहाँ पे मैच रखी गई है, फहद करबेलकर मित्रमंडल चषक जुने मानगाव 2023। प्रवेश फी 5,000, बुधवार दिनांक 1 मार्च ते शनिवार दिनांक 4 मार्च 2023। आदिल अपने बैट्समैन क्रीज पर रवाना करें। प्रथम क्रमांक है 50,000 चषक, द्वितीय क्रमांक 25,000 चषक, तृतीय क्रमांक 10,000 चषक, चतुर्थ क्रमांक 5,000 चषक। उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज, आकर्षक चषक, मालिकावीर, होम थिएटर। संघ बुकिंग साठी संपर्क करायचा आहे शोएब परदेसी, नदीम परदेसी, आदिल गजगे आणि शैलेश भोईर, 3/32 नाका मैदान, जुने मानगाव रेस्ट हाऊस समोर हेलीपॅडवरती। आदिल को उसेद परदेसी इनकी तरफ से हर सिक्सर के लिए 100 रुपये का इनाम आया है। अवेज 11 मानगांव की तरफ से ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर रवाना होते हुए मानगांव एक्सप्रेस शुभम जाधव और यहाँ पे आदिल गजगे। पंच मैदान और यायचे यहाँ पे अवेज 11 के ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर रवाना होते हुए मैच थोड़ा फास्ट करे, और भी मैच होना बाकी है, ज़्यादा टाइम ना ले अंपायर, इस बात को नोट कर ले, और भी मैच होना बाकी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। जो कि 40 रनों का टारगेट लेकर यहाँ पे बल्लेबाज उतरे आदिल गजगे और शुभम मोरे, शुभम जाधव। गेंदबाज निशी कनेकर वैष्णवी रूट की तरफ से, गेंदबाज निशी कन्नेकर रोहा एसोसिएशन में एक जाने माना नाम है निशी कन्नेकर, वही मानगांव एक्सप्रेस नॉन स्ट्राइक पर शुभम जाधव, वही स्ट्राइक पर आदिल गजगे। देखना होगा क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन आगे बढ़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस टूर्नामेंट के लिए काफ़ी मेहनत ली, यहाँ पे हर A1 के सदस्य ने, रहमत भाई हो, समीर हो, समीर परदेसी व फवाद पर जो बहुत सारों ने यहाँ पे मेहनत लिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट एक नामचीन टूर्नामेंट बनाने के प्रयास है हमारा। शब्बीर भाई हो, मुश्ताक भाई, अब्दुल भाई, बहुत सारे ऐसे सीनियर खिलाड़ी है जो यहाँ पे एडी छोटी का जोर लगाते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। मैं आगे आगे इस पर बात करूँगा। अब बढ़ते मैदान की तरफ। पहली गेंद निशी कन्नेकर की, बीच में पटकते हुए चार बारी स्ट्रोक, गेंद जाती हुई सीधी विकेट कीपर नयन जोशी के हाथ में। आदिल, आदिल टू, बहुत ही बढ़िया शॉट, यहां पे गेंद जाती हुई 4 रनों की तरफ, और ये 4 रनों का इजाफा अवेज 11 मानगांव के खेमे में। अंपायर का इशारा 4 रन, अच्छी गेंद थी, बैट का अंदरूनी हिस्सा लग के यहां पे गेंद 4 रनों की तरफ जाती हुई। 40 रनों का टारगेट है, आदिल को पता है किस तरह से बल्लेबाजी करने, काफ़ी सालों से क्रिकेट खेल रहे, उसी तरह शुभम जाधव को भी पता है किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं वो, ज़्यादातर सिवरदर इलाके में वो उनके चाहने वाले ज़्यादा है। निशी कन्नेकर क्या बढ़िया गेंदबाजी, बीच में पटकती हुई गेंद नीचे रहती हुई, कुछ समझ नहीं सके, 1 रन तो मुकम्मल किया यहाँ पे हमारे मानगांव पुलिस यहाँ पर आए हुए। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे आके बैठे, आपके लिए बैठने का इंतज़ाम किया है। निशी टू शुभम, पहली बार सामना करेंगे शुभम निशी की गेंद का, देखना होगा एक
खास जुगलबंदी देखने मिलेगी दर्शकों को इनके बीच में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पहले ही यहाँ पे अटैक किया निशी कन्नेकर ने, शुभम की यहाँ पे कुछ समझ नहीं सके यहाँ पे शुभम, स्कोर 6 रन। मैंने कहा था अच्छी गेंदबाज है यहाँ पे निशी कन्नेकर, रोहा एसोसिएशन में उनका एक अलग ही दबदबा है, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेलते हैं। निशी टू आदिल, आदिल करारा प्रहार करने के प्रयास में गेंद ऊपर जाती हुई, 1 रन तो मुकम्मल किया, जब तक थ्रो आए 2 रन के लिए भागना चाहते थे आदिल, लेकिन यहां पे शुभम ने उनको रोक दिया। मानगांव पुलिस के जो कर्मचारी यहां पर आए हुए मैं इनको दरखास्त करूंगा कि यहां आके बैठे। निशी कन्नेकर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कुछ समझ नहीं सके, गेंद जाती हुई सीधी विकेट कीपर की ग्लोव में, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 7 रन। क्या बढ़िया गेंदबाजी की यहां पे निशी कन्नेकर ने। मानगांव पुलिस यहां पे तुनतुने साहेब आए हुए, मैं यौवन निजामपुर की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, और मिलिंद सर भी आए हुए यहाँ पे, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ आके बैठे। मिलिंद सर और तुनतुने सर, मैच फास्ट करिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब देखना होगा गेंदबाज कौन आता है। सौजन्य खुद की पहली ओर कोटे की दूसरी ओर लेकर गेंदबाज सौजन्य गेंदबाजी करेंगे आदिल गजगे के लिए। अवेध जिले और मानगांव की तरफ से ओपनर बल्लेबाज शुभम जाधव और आदिल गजगे। हमारे मानगांव पुलिस स्टेशन के कर्मचारी तुनतुने साहब और मिलिन खिरीट साहब यहां पर आए हुए हैं, मैं एवन निजमपुर की तरफ से उनका सहर्ष स्वागत करता हूं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ऊपर आके बैठे। सौजन्य एक 10-12 कदमों का रनअप लेके बीच में पटकती हुई गेंद, उचार भरी स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन नाकामयाब, गेंद जाती हुई सीधी विकेट कीपर नयन जोशी के हाथ में। क्या बढ़िया गेंदबाजी की है, पूरी तरह बांध के रखा है अवे जिले और मानगांव के बल्लेबाजों को, काबिले तारीफ गेंदबाजी वैष्णवी रोड की तरफ से चलती हुई। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन आगे बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलते हैं मैदान की तरफ। सौजन्य टू आदिल गजगे, बहुत ही बढ़िया यॉर्क लाइन की गेंद फॉलो थ्रो में कलेक्ट किया, लगातार यहाँ पे प्रहार करते हुए गेंदबाज सौजन्य। कल एक टीम क्वालिफाई हुई है, आज एक टीम क्वालिफाई हो जाएगी और कल के लॉर्ड्स में से एक क्वालिफाई हो जाएगी, वो एक टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े सितारों के साथ मैच होंगे उनकी। सौजन्य गेंदबाजी के लिए तैयार, हम पर को पार किया, बीच में पटकती हुई गेंद, उछाल भरा स्ट्रोक सीधा 6 रनों के लिए जाती हुई गेंद, और इस 6 रन
यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं हमारे डीजे ऑपरेटर दीपक जांगले। दीपक भी यहाँ पे खुश हुए आदिल की बल्लेबाजी देख के, क्या बढ़िया बल्लेबाजी, उतनी अच्छी गेंदबाजी करे थे यहाँ पे सौजन्य, लेकिन इस दो गेंदों पे काफी रन लुटाए उन्होंने। चलता रहता है क्रिकेट है ये, कभी हार कभी जीत, ये तो चलती रहेगी। सौजन्य इस बार क्या लाफ्टर शॉट देखने मिला, और ये में गति परिवर्तन किया सौजन्य ने, स्कोर पहुंचता हुआ 22 रन। दो ओवर की समाप्ति पर यहां पे अवेज 11 मानगांव का स्कोर है 22 रन। इस बार महंगे साबित हुए सौजन्य, पहली ओवर में निशि ने 7 रन दिए थे, स्कोर 22 रन दो ओवर की समाप्ति पर। पहली ओवर में निशि ने 7 रन दिए थे, इस ओवर में 15 रन आए, काफी महंगे साबित हुए। बारह गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। यहाँ पे हम अनाउंस कर रहे हैं कि 22 गेंदे 22 रन हुए, आप वहां पे बैठ के अभी प्रेडिक्शन लगेगा कितने रन चाहिए। 18 रन, 18 रन चाहिए, 22 रन हुए। अब गेंदबाज नयन जोशी, देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। मैच हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ, कभी तल्यात और कभी मल्यात। नयन जोशी अच्छी गेंदबाज है, पिछले साल भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, उतनी अच्छी गेंदबाजी भी देखने मिली थी। इस बार देखेंगे नयन जोशी की गेंद कहां तक रंग लाती है। आदिल जैसे बल्लेबाज को बांध के रखना कोई आसान बात नहीं है। टॉस गेंद और ये पूरी तरह शॉट खेला यहाँ पे आदिल ने, गेंद जाती हुई 4 रनों की तरफ। एक रन तो मुकम्मल कर दिया, स्कोर पहुंचता हुआ 27 रन। अवेज 11 मानगांव का स्कोर है 27 रन। तीसरे ओवर जारी, नयन जोशी के रूप में अब स्ट्राइक पे है मानगांव के शुभम जाधव, मानगांव एक्सप्रेस, जो कि लंबे सिक्सर लगाने में माहिर है, लेकिन इस बार कोई बल्लेबाजी देखने मेरे हमको। और ये झटका लगता हुआ शुभम के रूप में, टॉस गेंद थी। या ठिकाणी पोलीस निरीक्षक निजामपूरचे तुंतुणे साहेब आणि मिलिंद साहेब यांचाही आगमन आहे। एवन क्रिकेट क्लब निजामपूरच्या वतीने त्यांचंही हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम खुशामध्ये। प्रशांत मामूनकर आलेले आहेत, एक सामाजिक क्षेत्रामध्ये एक वेगळे छाप आहे यांची, प्रत्येक मुलाला MIDC मध्ये लावण्याची जबाबदारी या ठिकाणी पार पडतात। निजामपूरच्या बऱ्याच मुलांना या ठिकाणी ज्यांनी MIDC मध्ये जॉब दिलेला आहे,
ते आज या ठिकाणी आलेले आहेत। तर एवन क्रिकेट क्लब निजामपूरच्या वतीने त्यांचा हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशिया मध्ये। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी तुंतुने साहेब आणि मिलिंद साहेब येही आलेले आहेत, तर त्यांचाही एवन क्रिकेट क्लब निजामपूरच्या वतीने हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशिया मध्ये। धन्यवाद साहेब, आपण या ठिकाणी आलात आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी। तर आपल्या सर्वांचं एवन क्रिकेट क्लब निजामपूरच्या वतीने हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशिया मध्ये। बढ़िया बल्लेबाजी देखने मेरे यहाँ पे आदेश सोनार की, आते ही चौका लगाया और दूसरी गेंद पर यहाँ पे डबल रन, स्कोर पहुंचता हुआ 33 रन। नयन जोशी बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार नाकामयाब इस शॉट खेलने में, इस एक रन की सहायता से स्कोर पहुंचता हुआ 34 रन। छह गेंदों में छह रनों की जरूरत, काफी रोमांच भरता हुआ मुकाबले में। वैष्णवी रोट और अवेज 11 मानगांव के बीच में इस दिन की पहली मैच हुई थी, एवन निजामपुर और तुड़िल के बीच में काफी कश्मकश भरा मुकाबला हुआ था। एक गेंदों पर तीन रनों की जरूरत थी तुड़िल को और वो दौड़ के निकाले थे। उसी तरह यह मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला देखने मिलेगा। स्पेशल आमच्या निमंत्रणाला मान ठेवून या ठिकाणी प्रशांत मामूनकर आलेले आहेत, तर सर्व मंडळाच्या वतीने त्यांचं जेवढं कौतुक करू तेवढं कमी आहे। त्याचबरोबर या ठिकाणी पोलीस निरीक्षक पण आहेत, तुतुने साहेब, मिलिंद साहेब, यांचंही एवन क्रिकेट क्लब निजामपूरच्या वतीने हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशिया मध्ये। स्ट्राइक पर आदिल स्ट्राइक पर आदेश सोनार, गेंदबाज है राणा, देखना होगा क्या होता है। और एक करारा प्रहार इस मैच को खत्म किया है पहली गेंद पर आदेश सोनार ने।